एक तरह से मौत का कुआं। सोच रहा है इसमें उतर के मोटरसाइकिल चलाता है, ठेला बन गया इसमें, कोई बात नहीं मोटरसाइकिल बना देते हैं। ये हीरो होंडा का मोटरसाइकिल ऐसे चलाएगा सर, इसमें घुस के चलाता है सर, गिरबो नहीं करता। इस बोतल में पानी है, यह है, इसको हम घुमा देंगे पानी नहीं गिरेगा। देखिए यहाँ पर ढक्का नहीं, इसका कहाँ गिर रहा है पानी, गिर रहा है नहीं, अगर वही धीमा स्पीड से करेंगे चाइन हो गया पूरा। कुआं के बारे में, मौत का कुआं जिसे हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, अंडर रूट आर जी, क्रिटिकल वेलोसिटी। देखो भाई, जब तक फिजिक्स जिंदा है आपको ये क्रिटिकल यानी क्रांतिक शब्द हर जगह मिलेगा। क्रिटिकल, आप फिजिक्स की दुनिया से हट के अपनी जिंदगी में आप लोग बड़ी सुने होंगे क्रिटिकल का यूज। क्रिटिकल अक्सर डॉक्टर बोलता है यार बड़ा क्रिटिकल कंडीशन है, तो क्रिटिकल का मतलब होता है एक बॉर्डर लाइन फॉर टू डिफरेंट स्टेजेज, दो डिफरेंट स्टेज के बीच का बॉर्डर लाइन। यानी डॉक्टर कहता है बहुत क्रिटिकल है, मतलब या तो मरेंगे या तो बचेंगे, क्रिटिकल। अब किसी को बुखार लगा तो थोड़े बोलेगा क्रिटिकल कंडीशन, पता है कि बच जाएगा, सोच रहा एक पैरासीटामॉल का दे देंगे तो यहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन उसको नहीं कहेंगे, मतलब उसके आगे कुछ और हो सकता है, इधर कुछ और हो सकता है, बॉर्डर लाइन। जैसे मौत का कुआं है, इस मौत के कुआं को दो तरह से कुआं होता है, एक इस तरह से होता है मौत का कुआं, इसे सुरा ये पे गड़िया चलाता है सही से ऐसे ऐसे, और एक जाली टाइप का होता है मौत का कुआं, इस टाइप का होता है मौत का कुआं, दोनों देखे होंगे आप लोग। ये एक तरह से मौत का कुआं, गोल होता है पूरा, इसमें सोच रहा है इसमें उतर के मोटरसाइकिल चलाता है, इसमें उतर के ऐसे मोटरसाइकिल चलाएगा, एक मोटरसाइकिल ठेला बन गया इसमें, कोई बात नहीं मोटरसाइकिल बना देते हैं। ये हीरो होंडा का मोटरसाइकिल ऐसे चलाएगा सर, इसमें तीन चार ठो घुस जाएगा सर, इसमें अब सर्कस वर्कस देखे होंगे आप लोग, इसमें घुस के चलाता है सर, गिरबो नहीं करता है सर। इसके लिए जरूरी है कि उसके पास क्रिटिकल वेलोसिटी होना चाहिए। क्रिटिकल वेलोसिटी उस वेलोसिटी को कहते हैं कि जिसके ऊपर कोई भी चीज बिना गिरे उस वेलोसिटी पर है तो वो चक्कर घूम जाएगी, अगर उस वेलोसिटी से कम है तो लुढ़क जाएगी, और ज्यादा है तो पूरा घूम जाएगा, इसीलिए इसे क्रिटिकल कहा गया। निकालेंगे कैसे क्रिटिकल आखिर कितना होता है, तो ये डिपेंड करता है कि वहां पर ग्रेविटेशन फोर्स कितना है। तो ग्रेविटेशन फोर्स सबको पता है 9.8 होता है, थोड़ा सा डिफर करता है, ज्यादा डिफर नहीं करता है, तो हम लोग 10 मान के चल। अब बताइए यहाँ पर अगर हम आपसे पूछ दे कि एक ऐसा मौत का कुआं है जिसका जो रेडियस है, ये रेडियस हो गया, रेडियस कितना है, 5 मीटर, इस मोटरसाइकिल की कम से कम कितनी चाल होनी चाहिए कि मौत के कुआं में गिरेगा नहीं, तो आपको पता है कि भाई हमको एक कम से कम एक क्रिटिकल एंगल चाल होना चाहिए, कि इससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा हो जाए लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। कैसे निकालिएगा इसके लिए कितना होगा भाई, अरे इस पे नहीं निकाल पा रहा है लोग, अरे ये वैल्यू अंडर रूट लगाओ, रेडियस कितना है 5, जी की वैल्यू 9.8, जी की वैल्यू 9.8, 10 लोगे तो 50 आएगा, अंडर रूट कितना आएगा लगभग 49 का वैल्यू कितना होता है 7 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा हो जाएगा तो चलेगा लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। एक लड़का का क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था, नाम नहीं पढ़ पाया उसमें, कि सर इस मौत के कुएं में रेडियस अलग अलग हो जाता है, कभी कभी ना ये यहीं चक्कर लगाने लगते हैं, यहीं पे पूरा घूमते नहीं है सब, असही बात है, सर्कस देखा है अच्छा से, पास बैठ के देख ले, करे कि सर यहीं चक्कर लगाते रहते हैं सब, तो इसका तो रेडियस कम है। तो भैया एक बात बताओ, मैक्सिमम रेडियस तो हमने निकाल लिया, अब ये रेडियस जो भी होगा इससे तो कम ही होगा ना जो यहां पर घूम रहा है, हमने 5 वैल्यू मान के निकाल लिया रेडियस का 5 मीटर को, तो इससे तो ये कम ही ना होगा, मान के चलिए ये 3 होगा, सपोज कीजिए कि ये नीचे वाला कितना है 3 है, तो निकालिए अंडर रूट 3 के हिसाब से, 3 × 9.8 लगभग ये कितना हो जाएगा, 9 × 3 = 27 मान लीजिए, लगभग 5.5 आएगा, यानी यहां घूमने के लिए, समझिए भाई एक्यूरेट पे मत जाइए आप, समझिए यहां पर, यानी यहां घूमने के लिए कम से कम चाल कितनी चाहिए, कम से कम 5.5, मतलब इससे ज्यादा हो जाएगा चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां घूमने के लिए चाल कितना चाहिए भैया, 7 कि अब आप इस मौत के कुआं में किधरों घूमते रहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्रिटिकल एंगल वह एंगल होता है जो कम से कम बताता है कि इससे नीचे नहीं होना चाहिए, इसलिए मौत का कुआं से आदमी नहीं गिरता है। आप अगर देखेंगे पानी का बोतल है, तो मेरा हाथ है, यह हाथ, मेरा हाथ कितने मीटर का होगा, लगभग 1 मीटर का, मेरा हाथ कितने मीटर का होगा, लगभग 1 मीटर, 1 मीटर का हाथ है मेरा, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, 1 × 9.8 यानी अंडर रूट लगभग 10 मतलब 3, अरे 9 रहता तो 3 हो जाता, 3 यानी 3 मीटर पर सेकंड की चाल से अगर हम इस बोतल को घुमाएंगे तो पानी नहीं गिरेगा। देखिए इस बोतल में पानी है, यह है यहाँ पे, अगर हम
तीन से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम घुमा देंगे पानी नहीं गिरेगा। देखिए बोतल यहाँ पे, यहाँ पे ढक्कन है इसका, कहाँ गिर रहा है पानी, गिर रहा है नहीं। अगर वही धीमा स्पीड से करेंगे, खिंचाइन हो गया पूरा साफ कर, जहां स्पीड धीमा करेंगे गिर जाए।